मैं लिखते लिखते रोया था, मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। मैंने उनके सिंहासन के विपरीत लिखा कविता गाई, ये सच अभी भी बोलता हूँ, लेकिन भीतर के रोते हुए कवि की भावनाओं को अभिव्यक्ति भी देता हूँ। मैंने उनके सिंहासन के विपरीत लिखा कविता गाई, लेकिन उनके ना रहने पर आंखें आंसू भर भर लाई, रह रह करके झकझोर रही हैं यादें खूनी आंधी की, रह रह करके झकझोर रही हैं यादें खूनी आंधी की, जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की, जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की। वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना सब धर्मों के देवालय से, भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया अपनों के हाथों चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया अपनों के हाथों चली गई। शातिर देशों की माटी ने ये ओछी मक्कारी की है, पर घर के ही जयचंदों ने भारत से गद्दारी की है। हमने मुट्ठी भींची खोली लेकिन गुस्से को पी डाला, हम कई समंदर रोए हैं हमने पी है गम की हाला, हमने अपना गुस्सा रोका पूरे संयम से काम लिया, हिंदू सिख भाई भाई हैं इस नारे को साकार किया, लेकिन हिंदू सिख भाई हैं ये पर पार्टी नीलाम न हो, केवल दो चार कातिलों से कोई मजहब बदनाम न हो। जो धर्म किसी का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता है, गुरु नानक जी के बेटों का ये कर्म नहीं हो सकता है। वे भी भारत के बेटे हैं सबके सब तो चौहान नहीं, केवल मुट्ठी भर हत्यारे सरदारों की पहचान नहीं, इसलिए क्रोध के कारण जब बदले की खूनी हवा चली, संयम डोला सो गई बुद्धि जलने वाले थे गांव गली, जब कुछ लोगों की आंखों में बदले की हवा सवार हुई, तब हिंदू जाति आगे बढ़कर सिखों की पहरेदार हुई। इंदिरा गांधी की जान गई हम एक रहे पर पार्टी पर, उनके लोहू का कर्जा है पूरे भारत की माटी पर। इंदिरा जी नहीं रही हैं तो ये देश नहीं मर जाएगा, अब कवि बोलता है। इंदिरा जी नहीं रही हैं तो ये देश नहीं मर जाएगा, कोई ना समझे कोई भारत के टुकड़े कर जाएगा, अब कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी, जो खालिस्तान पुकारेगी वो जीभ काट ली जाएगी, जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। धरती से अंबर से कहना, हड़ताल समंदर से कहना, कहना करगिल की माटी से, गुवाहाटी से, चौपाटी से, खूनी परपाटी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, कहना लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो बांह तोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा, हमें नहीं पता क्यों बटा ये देश, ये कह सकते हैं कि हम नहीं थे उस समय इसलिए बट गया। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी गांधी का दोष रहा होगा, जो भूल हुई हमसे पहले वो भूल नहीं होने देंगे, हम एक इंच धरती भारत से अलग नहीं होने देंगे। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है। सदन का ध्यान चाहता हूँ और सदन की प्रतिक्रिया चाहता हूँ, सदन की तालियां चाहता हूँ इन पंक्तियों पर। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है उसका ये रोग पुराना है, लेकिन रावलपिंडी पहले अपने दामन में तो झांके, अपने घर का आलम देखे मेरे आंगन में ना ताके, भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत।